साथ अब हमारी है खास खबर। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत का पहला कवि सम्मेलन बांदा में आयोजित किया गया। देखिए ये हमारी खास खबर। नेशनल मीडिया क्लब की ओर से शहर के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देश के जाने माने कवि विष्णु सक्सेना, शिवोम अंबर, सर्वेश कलीम केशर, गौरव चौहान, कविता तिवारी, मुकेश श्रीवास्तव, अमित शर्मा, शबीना मदीन और कविता पाठ के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के बल पर हमने मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलियारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे, न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दे मंत्री जी, 20,000 लोग नहीं 7 लाख लोग, 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। तब जाकर पंडित कहता हूं कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तालियां आपकी कमजोर क्षमा करना, एक बार हाथ उठाकर बहुत से हजार तालियों का। अरे पंडितों, अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, तो पाप का झंडा ना होता, पाप का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी। दिल बीमार सही हो वो दवाई तेरे, दोस्तों बाधा में पहले भी 2-3 बार आया हूँ, लेकिन ऐसी सभा में पहली बार आया हूँ। मेरे यहाँ जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, दाद। मेरे पिता की उम्र के लोग यहाँ जैसे बैठे हैं उनसे दुआएं मांगते हैं। हमारे बड़े भाई एसपी सिंह बघेल साहब कविता के बड़े शौकीन हैं, और जहाँ कविता की खुशबू आ जाती है वहाँ जरूर अपना समय देते हैं, और आज भी पूरा समय दे रहे हैं। तानवी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दिल बीमार सही हो दवाएं तेरे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं तेरे। पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में पढ़ रहा हूं, ईश्वरवादी बहुत हूं इसलिए। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं तेरे, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं,
मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बताया, क्योंकि आपकी तालियों का कोटा हमारे कविता खत्म करवा गई, ये गौरव खत्म करवा गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे समय तक कुछ बच भी पाए हैं। मैंने निवेदन किया था कि पहली चार पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, दूसरी चार पंक्तियां आपके चरणों में, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर एक मिनट नहीं खड़े होते। आप हमें प्रशंसाएं देते हैं, तारीफ करते हैं, ताश देते हैं, तालियां बजाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ टूटा फूटा लिख लिया है और इस गलत फहमी में सुना देते हैं कि शायद हमें कुछ अच्छा लिखा है। अरे मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहारे। जब दूसरी पंक्ति में आप इतनी दाद दे सकते हैं तो चौथी पंक्ति में तो निहाल कर देंगे। इससे पहले कि कोई और बहारे आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। आस बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। माता वालों, चौथी पंक्ति में मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए, जो जो खाली कुर्सियां हो गई हैं या जो बिना सुने चले गए उनकी भी जिम्मेदारी उठाएं। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद। युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो सदी नहीं युगों, देखिए कदर कहां से किस रूप में आती है आपके सामने। युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो सदी नहीं, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी। वाह 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 वाह।
केवल एक दो सदी नहीं, वाह, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं, वाह, भारत जैसा। मैं शुद्ध कविता आपका पूछाऊंगा, आप सुनते रहे थोड़ा हमारा मन रखे आप, कि निराली शान से उठे, ये सोच लीजिए कलीम कैसे पढ़ रहा है दादा, निराली शान से उठे, मिसाली शान से उठे, वाह वाह, निराली शान से उठे, मिसाली शान से उठे, लिए होठों पे अपने एक नई मुस्कान से उठे, मेरे मालिक, निराली शान से उठे, मिसाली शान से उठे, लिए होठों पे अपने एक नई मुस्कान से उठे, मेरे मालिक, मेरे साईं बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठे, लेकिन ये तुम भी देखना, व्यभिचारी शासन हार जाएगा, ये तुम भी देखना, व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर रावण हार जाएगा, ये तुम भी देखना, व्यभिचारी शासन हार जाएगा, हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार है, बहुत अच्छा, तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, वाह 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 वाह, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। कविता मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, वाह, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा, मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे ससुराल के सोने का कंगन, वाह 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 वाह, मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है, वाह, बिल्कुल हिंदुस्तानी भारतीय परिवेश में ये पूरी पंक्तियां हैं, पूरे बदल भारतीय परिवेश में है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में कही जा सकती है, कहीं और नहीं कही जा सकती, पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ, अब तक 30-35 देश जा चुका हूँ, लेकिन ये कह के पढ़ता हूँ कि ये सिर्फ संस्कार भारत में है और दुनिया में कहीं नहीं। क्या बात, तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना, कहाँ तक चीन खींचेगा प्रशासन हार जाएगा, मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, वाह, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा, मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। विकास, समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, वाह, समर्पण की कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन आ रहा, समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, किसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा, किसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा, मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, एक विशब्द नहीं आया वो का, मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा, विश्वास है मधुर, तुम ख्वाब में सोए तो फिर जागा नहीं जाता, मधुर तुम ख्वाब में सोए तो फिर जागा नहीं जाता, जहां हो बेरहम हाकिम वहां मांगा नहीं जाता, मधुर तुम ख्वाब में सोए तो फिर जागा नहीं जाता, जहां हो बेरहम हाकिम वहां को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। जाने वाले को क्यों बुलाती है ये दुनिया, जाने वाले को क्यों बुलाती है ये दुनिया, हंसते हुए को क्यों रुलाती है ये दुनिया, जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी बाकी रह गई जो मरने के बाद भी जलाती है ये दुनिया, क्या बात है, जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी बाकी रह गई जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया।
मधुर तुम ख्वाब में सोए तो फिर जागा नहीं जाता, मची हो जुर्म की आंधी फंसा हो धर्म संकट में, मची हो जुर्म की आंधी फंसा हो धर्म संकट में, छोड़ मैदान फिर हमसे कहीं भागा नहीं जाता, छोड़ मैदान फिर हमसे कहीं भागा नहीं जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी को तख्तो ताज देती है, किसी को राज देती है, किसी को तख्तो ताज देती है, किसी को राज देती है। बहुत खुश नसीब है कविता तिवारी जैसे लोग, बहुत ही खुश नसीब है कविता तिवारी जैसे लोग जिन्हें माँ सरस्वती साक्षात अपनी आवाज देती है। वाह वाह वाह। तो ये थी हमारी खास खबर मेरे यानी साक्षी टुटेजा के साथ। देखते रहिए न्यूज़ हिंद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।